नवी मुंबई महानगर पालिका के महासभा के दौरान नगर सेवक सूरज पाटिल ने नेरुल गांव के कुक्षेत तालाब के ऊपर एक मुद्दा उठाया है। उनका मानना है कि पिछले एक सालों से वहां पे बिल्डरों का घेर घेराव बनता नजर आ रहा है। वही जगह चारों तरफ शेड लग चुका है। उनका मानना है कि वहां पे आम पब्लिक का जाना मुश्किल हो गया है। MIDC की भी प्रतिक्रिया वहां पे किस तरह से व्यक्त किया है, आइए मिलते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लेकिन वही जगह उनका मानना है कि इस कार्य को लेकर जल्द से जल्द किया जाए। तो वही जगह महापौर सुधाकर सोनावने ने भी अपनी भावना को व्यक्त किया है। तो आइए मिलते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ अंदाज देखने को मिल रहा है कुक्षेत तालाब के ऊपर। कि आपल्या बोलण्याच्या बाबतीत माझं दुमत नाही, मी तुम्हाला परत दिशा तिथून तुम्हाला म्हणजे निर्देशन आणू इच्छितो की त्या ठिकाणी आज सुद्धा कुक्षेत जवळ इथं आलेला असला तरी आमच्या सगळ्याचे उद्योग धंदे त्या परिसरात आहेत। MIDC क्षेत्रात कित्येक टेम्पो चालक आमचे ग्रामस्थ सार्वजनिक गणेशोत्सव आज सुद्धा कुक्षेत गावच्या तिकडे होत आहेत आणि त्या तलावावर पूर्णपणे गणेश विसर्जन बंद करण्यात आलेला आहे। तो तलावच बुजवण्यात आला अशी आमची शंका आहे। तिथं जर या पद्धतीनं महानगरपालिका MIDC कडे चालढकल करत असेल ना साहेब, तर कुठेतरी आपण दुर्लक्ष करतो या बाबतीत। मला हे नाही म्हणायचं, तुम्ही जे बोलता ना निश्चित तुम्ही बैठक लावा हे करा, कारण मी सातत्याने 7 वर्ष हा विषय मांडतोय। परंतु म्हणजे आजपर्यंत सुरेश पाटील साहेब आजपर्यंत त्या दिशेने जे आपण पाऊल उचललं ते कधी उचललं गेलं नव्हतं। आपण त्याची अधिकृतपणे त्या MIDC ला कळवलेलं आहे आणि अधिकृतपणे त्याची पाहणी अहवाल जे नैसर्गिक वॉटर स्रोत आहे। तुम्हाला एक सांगतो, 2008 पर्यंत जर वॉट अपेक्स मध्ये त्या तलावाची नोंद आपल्याकडे आहे असं लिहिलं जातं, 1995 ला कुक्षेत शिफ्ट झाले। 95 पासून 2008 पर्यंत आपण का तिथे प्रोव्हाइड केली सगळी व्यवस्था? हा एक प्रश्न आहे ना सर। कुक्षेत गाव गेला कधी? 95-97 दरम्यान झालंय। मग हा जो प्लॉट आहे तो रायगडला दिला कधी? तेव्हा दिलाय। मग तेव्हा 2008 पर्यंत तिथं गणेश विसर्जन वगैरे सगळी प्रक्रिया होत होती ना, तलाव व्यवस्थित होत्या ना। आजूबाजूला शिवाजीनगर आहे, शिरवणा गाव आहे, पलीकडे वरती रेकॉन्डो आहे, तिथं वस्ती नाही का? बोनशेरी आहे, सगळे वस्तीच्या मध्यभागी तलाव आहे। तो कुठेतरी महापौर साहेब आपल्या स्तरावरचा निर्णय घ्या। ठीक आहे, नक्की। आज महासभा के सामने पर्यावरण अहवाल रिपोर्ट आया था जिसमें तालाब की संख्या दी गई थी। नवी मुंबई में जितने तालाब हैं उनका उल्लेख किया गया था, पर कुक्षेत जो पुराना विलेज जो था जहाँ से रिहेबिलिट किया गया, तो पुरानी जगह पे आज वहाँ पे तालाब था उसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। इसी मुद्दे को लेके आयुक्त साहब और सभागृह में मैंने प्रश्न उपस्थित किया कि ये तालाब का उल्लेख इसमें क्यों नहीं किया गया। अगर ये तालाब जगह पे नहीं है तो ये तालाब का क्या हुआ, इसका पूरा विवरण लेना ज़रूरी है, इसका पूरा अभ्यास करना ज़रूरी है। अगर ये नेचुरल सोर्स किसी ने गलती से गलत कुछ किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी ज़रूरी है। अगर नेचुरल सोर्स वहीं पे है तो उसकी नोंद महापालिका क्षेत्र में होनी चाहिए और महापालिका के वो तालाब के आसपास जितने कंपनियां हो चाहे आज वहाँ पे जो भी बस्ती हो उनके उपयोग में वो तालाब आना चाहिए। नहीं, अभी महापौर साहब ने आश्वासित किया है कि आयुक्त साहब के साथ में MIDC को लेके वो मीटिंग करके उसके ऊपर जो कुछ है उसका ब्यूरन लेंगे, उसकी जानकारी हमें देंगे। जानकारी लेने के बाद हमारी तरफ से भी हम पूरी जानकारी लेंगे और इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने ये मुद्दा उठाया था, आज भी उठाया और इसको पूरा उसका न्यायिक स्वरूप पे लाने तक ये मुद्दा उठाता रहूँगा। आज वहाँ पर तालाब को क्षेत्र बिल्डर के पूरे पत्रा शेड लगा के उसको कवर किया गया है जिसके अंदर एंट्री नहीं है। इसके लिए हम आम आदमी या आप हम वहाँ एंटर नहीं कर सकते। प्रेस को भी मैं बोलूँगा कि आप भी वहाँ पर एंटर करो, देखो अगर एक्चुअल में किसी नेचुरल सोर्स को उन्होंने बंद करने का कोशिश किया होगा तो वो कानूनी तौर पे उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये भी मांग हमारी यहाँ पे रहेगी।